गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो यार बहुत हमें भी अच्छी लगी है वीडियो। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है नीरज चोपड़ा की टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने पर पाकिस्तानी क्या बोले। मतलब पाकिस्तान के जो पत्रकार लोग, मतलब जो आम लोग, मतलब स्पोर्ट्समैन जो भी हैं, वो लोग क्या बोले इसके बारे में, वो वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद सही से पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो हम खुद जानना चाहते हैं क्या बोले। तो काउंट ऑन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जहां भारत में जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान से भी उन्हें बधाई संदेश आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान के पत्रकार सिराज हसन ने नीरज चोपड़ा को लेकर लिखा है, नीरज चोपड़ा अद्भुत एथलीट हैं, गोल्ड के लिए बधाई, वह वास्तव में इसके हकदार थे, बहुत शानदार। अब हम जान गए हैं कि अरशद नदीम आपको अपना हीरो क्यों कहते हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान की ओर से जेवलिन थ्रो के एथलीट थे। एक यूजर ने आंसू के इमोजी के साथ ट्वीट किया कि ये खुशी के आंसू हैं। वो लिखते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मिला है। नीरज चोपड़ा आप स्टार हैं, पाकिस्तान से प्यार और बधाई, आपने कर दिखाया। उन्होंने साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, एक छोटे से गांव से टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से सलाम। नीरज भी छोटे से गांव से था ना, सके तो कोई बात नहीं, हमारे छोटे नीरज चोपड़ा जीते हैं तो हमेशा की तरह हम पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, हम आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, आप यूं ही कामयाबियां अपने मुल्क के नाम करते रहे। पाकिस्तानी पत्रकार राउफ कलासरा ने टीवी कमेंटेटर कह रहे हैं कि अरशद नदीम के लिए उनके प्रतिद्वंदी भारत के नीरज चोपड़ा हीरो हैं। अरशद ने क्या खेल भावना और अपनी मजबूती दिखाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व भी इस भावना को दिखाएगा। पाकिस्तान से नीरज चोपड़ा की जीत पर जहां बधाई संदेश आ रहे हैं, वहीं ओलंपिक में अपनी टीम की बदहाली पर भी लोग अपनी खींच निकाल रहे हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार अब्दुल गफ्फार ने लिखा, शेर के जिगर जैसी शानदार कोशिश अरशद नदीम, आज कोई मेडल नहीं बहुत अच्छी कोशिश, 2024 में मिलेगा। अगले ओलंपिक के लिए पाकिस्तान को अरशद, तलहा, महूर, इमाम बट के प्रशिक्षण पर खर्च करना चाहिए। जहां एक और नीरज को बधाई मिल रही है, वहीं पाकिस्तान के जेवलिन खिलाड़ी अरशद के हारने पर वहां उन्हें मिल रही ट्रेनिंग पर सवाल भी उठ रहे हैं। नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार फैजान लखानी ने लिखा, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई, अब गूगल करें और देखें कि भारत ने उसे कैसे ट्रेनिंग दी और हम अरशद को कैसे प्रशिक्षित कर रहे थे। और हाँ, नीरज को सब कुछ देने के बावजूद किसी भी भारतीय मंत्री या अधिकारी ने वीडियो के जरिए उसका लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। हाँ। पाकिस्तान सुपर लीग मतलब फायदा नहीं उठाया उसका। यूनाइटेड के रणनीति प्रबंधक हसन चीमा ने नीरज के ट्वीट और नदीम की ट्रेनिंग को लेकर उनके पिता की बात से जुड़ी एक खबर को अपने ट्वीट में जोड़ते हुए लिखा, काम करने के दो अलग अलग तरीके। नीरज चोपड़ा के जिस ट्वीट को चीमा ने यहाँ जोड़ा वह जून का था और उसमें नीरज ने बताया था कि वे यूरोप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्वीट मैंने भी देखा। ये सरकार को धन्यवाद दिया था। वहीं चीमा ने दूसरी तस्वीर शेयर की है, वो एक स्नैपशॉट है जिसमें नदीम अशरफ के पिता के कथन के जरिए ये बताया गया है कि नदीम की ट्रेनिंग किन हालात में हुई। स्नैपशॉट में लिखा है, नदीम के पिता मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का यह ओलंपियन पहले क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें जेवलिन थ्रो की सलाह दी। उनके राजमिस्त्री पिता अपनी कमाई से मिस्त्री खर्च उठाते थे और नदीम अशरफ अपने अहाते या घर के बाहर गलियों में प्रैक्टिस किया करते थे। फिटनेस मशीन के लिए भी उनके पिता ने ही खर्च किया था। उनके पिता कहते हैं कि सरकार ने अरशद को कोई सहायता नहीं दी, अभ्यास के लिए उन्हें मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर भेजने का खर्च भी उन्होंने ही उठाया। पाकिस्तान को ओलंपियन अरशद नदीम से बहुत उम्मीदें थीं। पाकिस्तान ने बीते 29 सालों से ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है, यार ये सीरियसली इसने नाम हीरो बना लिया पाकिस्तान में, किस तरह स्थान पर रहे और पाकिस्तान की ये उम्मीद भी टूट गई। 24 साल के अरशद नदीम फाइनल में पहुंचने से पहले दुनिया भर में चौथे नंबर पर थे। अरशद नदीम का प्रदर्शन अच्छा रहा, उन्होंने पहला थ्रो 82.4 मीटर दूर फेंका, दूसरा थ्रो फाउल रहा, जबकि तीसरे थ्रो में उन्होंने 84.62 मीटर की दूरी छू ली। वो 12 एथलीटों में
पांचवें नंबर पर रहे। पाकिस्तानी एथलेटिक्स पर नजदीकी नजर रखने वाले मुल्तान के पत्रकार नदीम कैसर कहते हैं कि अरशद नदीम की कहानी एथलीटों के लिए एक उदाहरण है। वो बताते हैं कि 2012 में उन्होंने पहली बार अरशद नदीम को इंटर बोर्ड एथलेटिक्स में देखा था। वो घिसे पिटे जूते पहने हुए थे, ऐसे जूते पहनकर भाला फेंकना संभव नहीं था। कैसर कहते हैं कि ये प्रतियोगिता घास के मैदान पर थी और नदीम ने नंगे पैर हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के बाद अरशद नदीम अपने पैर से कांटे और कचरा साफ कर रहे थे। जब कैसर ने उनकी तारीफ की तो उन्होंने कहा, सर मेरे पास पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं हैं। वहीं पाकिस्तान एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष मेजर जनरल अकरम शाही का कहना है कि अरशद नदीम के प्रशिक्षण पर पाकिस्तान ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अकरम शाही ने बीबीसी से कहा कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरशद नदीम का ओलंपिक पहुंचना उनकी व्यक्तिगत कोशिशों का नतीजा है और महासंघ का इसमें कोई योगदान नहीं है। बेशक अरशद नदीम की अपनी मेहनत है, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि महासंघ ने भी ओलंपिक में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अथक कोशिशें की हैं। हाँ वो तो होता है, थोड़ा बहुत जिसका क्वालिफाई है खुद बंदा कर दिया, लेकिन इसके लिए 2 करोड़ भी नहीं है। वीडियो का मतलब इसी के साथ हुई ये वाली वीडियो खत्म। तो यार जो बातें इसमें की गई हैं उसमें सीरियसली मेरा खुद दिल भर आया बीच खुद में। सच में वो एक ट्वीट जो था उसमें सीरियसली मैं खुद सेंटी हो गया था कि इस तरह मतलब हालात में अरशद नदीम ने किया। सीरियसली गाइज यार, जितनी नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान से वाकई बहुत तारीफ हुई है उसकी, बिल्कुल। पहले हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, उसके बाद अरशद नदीम की करेंगे। नीरज चोपड़ा इधर कल ट्रेंडिंग में भी था पाकिस्तान में, जो सारे कंग्रेचुलेशन इंडिया भी बोल रहे थे कि बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया आपको, तो काफी लोगों ने तारीफ किया क्योंकि ट्रू जो सच्ची जो चीज़ जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। जब इन्होंने बोला कि मतलब उनके एक तरफ मतलब वो यूरोप जाके उन्हें फुल गवर्नमेंट ने भी, भाई गवर्नमेंट इंडिया की मैं मानो ये बात हमें माननी पड़ेगी, उनकी गवर्नमेंट जो है ना एथलीट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देती, बहुत ज्यादा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी देखो मैं तो सीधी बात करूंगा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ज्यादातर ध्यान क्रिकेट में है। क्रिकेट में भी सिफारिश कुछ ऐसे बंदे आए हुए हैं, क्रिकेट जो है ना दबा की हुई है, उसमें भी मतलब परफॉर्मेंस जिस पे ध्यान है उस पे भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो अब ऐसे बंदों को मैं कहता हूँ ज्यादा मिलनी चाहिए सपोर्ट, क्योंकि यार मैं एक चीज समझता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, इतना टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, ठीक है। इंडिया में उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, पाकिस्तान में टैलेंट को नहीं पहचाना जाता। पाकिस्तान में जिस दिन टैलेंट को पहचान लिया, ये देख लेना कि यही पाकिस्तान होगा, ये मेडल लेकर आएगा। और ये इसमें कोई नहीं, ये जब उन्होंने बोला फटे पुराने जूते में, और उसके जो फादर थे उन्होंने अपनी मशीन लेकर दी उन्हें, हाँ, और वो गलियों में भेंगते थे, मतलब वो क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन मतलब वो मजदूर थे, उनके मिस्त्री थे, मतलब जो घर बनाते हैं मिस्त्री यार थे। उनकी ये बात मतलब सच में दिल से रिस्पेक्ट निकलती है अरशद नदीम के लिए कि उसने इतना यार अच्छा परफॉर्मेंस की, बिल्कुल। सीरियसली ये वीडियो बहुत कमाल की थी, और ये बहुत कमाल की, सीरियसली यार मजा आया इस वीडियो को देखकर, और हमें पता लगा कि कितनी मुश्किलात से अरशद नदीम उठकर फिर भी यार हम कहते हैं 5th नंबर पे वो आया या जोनसे पे भी आया, हमें उस पे गर्व है कि बिल्कुल गर्व है, हमें उस पे मतलब अच्छा प्रोसेशन मतलब एक परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल। और नीरज चोपड़ा वाकई यार डिजर्व करता है, उसने जितनी मेहनत की उसने उसका मतलब जो फल है उसको वो मिला, बिल्कुल। और वो गोल्ड पूरे इंडिया का नाम उसने रोशन किया, और पूरे इंडिया को मतलब एक गोल्ड इतने टाइम बाद कर दिया, तो बहुत बढ़िया। देखो सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल की खुशी होती है, लेकिन जो खुशी इंडिया ने गोल्ड की महसूस की ना, वो चीज देखने लायक होती है। सच में हर एक ने अपनी तरफ से बेस्ट पैच किया और उनका ज्यादातर खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल्स में आकर, और सब इधर के जो पत्रकार थे स्पोर्टमैन थे जो थे उन्होंने सबने बहुत तारीफ की, और बाकी यार नीरज इसकी हकदार है, बिल्कुल। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।